सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि सीजीपीएससी व्यापम जैसे एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, साथ ही हॉस्टल वार्डन है की, जो कि यहां पर एडीओ के सिलेबस के अनुसार 30 अंकों के 30 प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाते हैं। गाइस, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के 30 अंकों के कुल टोटल 30 प्रश्न देखेंगे, जो कि डेली, यानी कि आज आपका पार्ट वन वीडियो है, पहला क्लास है, 5 दिनों का तैयारी कराया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। यहाँ से आपके प्रश्न आने के चांसेस 90% संभावना है। आज की क्लास में देखेंगे 73वां संविधान संशोधन, कितना, 73वां संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 243, ठीक है, यानी कि 243B। 5 दिनों का क्रैश कोर्स चलेगा, टोटल 5 दिन के लिए 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली कराएंगे। एडीओ का आपका 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, और हॉस्टल वार्डन में 4 से 5 नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने 5 दिनों का क्रैश कोर्स कर लिया, यानी कि आपके यहाँ पर देखिए 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के, यानी कि डेली आपको 150 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5 दिन के लिए कराया जाएगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, यानी कि समझो आपका 70% आने के चांसेस बढ़ जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लाइक करते हुए चलिएगा। डेली आपको 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, 5 दिनों का क्रैश कोर्स है, जो कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को किसका दर्जा देने की घोषणा की है? तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को नगर पंचायत देने की घोषणा की है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यहाँ व्यापम से पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए डेली क्लासेस कराएंगे, 5 दिनों का क्रैश कोर्स है, यानी कि टोटल 150 MCQ कराया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के। और ये 150 MCQ में आपको कम से कम पूरा 150 आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल सटीक और स्टैटिक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व विभाग, कितनी नए तहसील बनेगी? तो ये आपका 23 नई तहसील बनेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था कब किसके द्वारा लागू की गई है? तो वो ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो भारत में, यानी कि हर साल प्रत्येक दिन, यानी कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। स्थापना की बात करें तो पंचायती राज दिवस की स्थापना कब किया गया है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पी के थुंगल समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया गया है? तो जो पी के थुंगल समिति है, वो 1988 में इसका रिपोर्ट तैयार किया गया है। कब किया गया है? पी के थुंगन समिति ने, ठीक है, पी के थुंगन समिति ने अपना रिपोर्ट 1988 में तैयार किया गया है। ये प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती है 70%, यानी कि जितने भी आपको विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर लाए हैं, यहाँ से आने के संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है पंचायती राज व्यवस्था से। यानी कि डेली आपको 5 दिनों का क्रैश कोर्स है, ये टोटल आपने 150 अगर MCQ कर लिए, यानी कि समझो, यानी कि 30 नंबर में आपका 20 से 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश किस समिति ने दी है? तो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना को जो स्थापित की है, उसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने दी है। कौन से समिति? बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में कब पारित किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश है पंचायती राज अधिनियम, उसको 1993 में पारित किया गया है। कौन से महंत में? तो वह 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर, इसको याद कर लीजिएगा, 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था या अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है। कब पारित किया गया है? विधानसभा में 1993 में।
नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1983 के किस धारा में कहा गया है कि इस अधिनियम के नाम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जिसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, तो ये धारा वन है, धारा वन के तहत। ठीक है, धारा वन के तहत 1993 में छत्तीसगढ़ के विशेष यानी कि छत्तीसगढ़ के भागों में संशोधन यानी कि पूरा लागू कर दिया गया है। ठीक है, अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ऐसी डेली क्लासेस करने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, डेली आपको 30-30 MCQ कराया जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 अधिनियम में वर्तमान में कितने अध्याय या धारा अनुसूची शामिल की गई। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, और ये खासकर एडीओ के लिए क्लासेस चल रही है, जो कि एडीओ में 30 नंबर पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 30 नंबर। तो डेली क्लासेस करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आज से ही एडीओ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में वर्तमान में यानी कि हाल ही में धाराएं, अनुसूची और अध्याय तो कितने हैं। तो देखिए, तो अध्याय कितने हैं, तो यहाँ पर 15 अध्याय हैं, नोट करते चलेगा, 15 अध्याय हैं, 125 धारा और साथ ही कितने अनुसूची हैं, तो ये 4 अनुसूची हैं। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी, यानी कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में वर्तमान में 15 अध्याय, 125 धारा, 4 अनुसूची लागू की गई है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आते हैं प्रश्न। ग्राम की मतदाता सूची किस धारा में है? जो ग्राम की मतदाता सूची है वो आपका धारा 4 में है, धारा 4 में, नोट कीजिएगा इसको, धारा 4 में ग्राम की मतदाता सूची में लागू है। ग्राम सभा का सम्मेलन कम से कम कितने दिनों में करना चाहिए? कम से कम 3 माह, कम से कम कितने दिनों में? 3 माह में एक बार जरूर होना चाहिए। देखिए, जो ग्राम सभा का सम्मेलन होता है तो कम से कम कितने दिन में? 3 माह में एक बार होना आवश्यक है। ठीक है, ग्राम सभा का सम्मेलन तारीखों का कौन सा गलत है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो यह इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ग्राम सभा का सम्मेलन कौन सा तारीख में गलत है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा तारीख है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। ग्राम पंचायत गठन किस धारा में है? ग्राम पंचायत का जो गठन है धारा 13 में है, अभी मैं आपको हल बताया ना कितने, 13। ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया धारा 13 में है। 73वां संविधान संशोधन यानी कि पिछला वर्ग के लिए आरक्षण है, तो किसके लिए आरक्षण है? देखिए, 73वां संविधान संशोधन संविधान OBC यानी कि पिछला वर्ग के लिए आरक्षण है, तो इस कौन सा आंसर होगा? तो चलिए देखते हैं, इसमें आरक्षण नहीं है। 73वां संविधान संशोधन में OBC के लिए क्या है? आरक्षण नहीं है। OBC आरक्षण का राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। देखिए, ये छोड़ा है नहीं, ये छोड़ा गया है। ठीक है, इसको छोड़ा गया है। ठीक है, तो OBC आरक्षण राज्य सरकार के लिए छोड़ा गया, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ग्राम नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम नियोजन विधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सरपंच होता है। ठीक है, कौन होता है? सरपंच। कौन से समिति का अध्यक्ष? इस समिति का सचिव ग्राम पंचायत में सरकारी महाविद्यालय का प्रधान प्राध्यापक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति। कौन होगा? ग्राम शिक्षा समिति। इसके बाद ग्राम शिक्षा समिति के क्या कार्य हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधों को कार्य देखना है, बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन निगरानी करना, ये भी बिल्कुल सही है। पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संबंधित कार्यों को पर्यवेक्षण, ये भी सही है। यानी ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या है, तो ये बिल्कुल सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। कौन से समिति का गठन ग्राम पंचायत में सामाजिक सहोदर्य के लिए किया जाता है? देखिए, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ग्राम पंचायत का, तो ये आपको ग्राम के सामाजिक न्याय समिति के अंतर्गत आता है। न्याय समिति किसके अंतर्गत? न्याय समिति। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होती है? पंचायत समिति की जो गठन होती है स्तर, वो प्रखंड स्तर पर होती है। कौन से स्तर पर होती है? प्रखंड। ठीक है, प्रखंड स्तर पर होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रखंड। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? जो पंचायत होती है उसके लिए 21। ठीक है, और 25 वर्ष किसके लिए रखी गई है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, 25 वर्ष किसके लिए रखी, कमेंट में बताएं। पंचायत के विघटन के बाद, जो पंचायत का विघटन होता है, तो देखिए पंचायत का जो विघटन होता है कितने समय पूर्व
6 माह पहले हमेशा याद रखना, कभी भी विघटन हो या कुछ भी हो पंचायत से संबंधित, तो 6 माह आंसर ही आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन विघटन का तारीख से 6 माह पहले होता है, ठीक है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो किसके लिए जाता है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। देखिए मैं बार बार एग्जाम में बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसी प्रश्न आता है, 30 क्वेश्चन आता है पंचायती राज व्यवस्था से। जो लोग अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, इसका एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब किया गया, जो पंचायत होता है, ठीक है, पंचायत होता है उसका कार्यकाल यानी कि कामकाज आरंभ कब किया गया है, तो वो है आपका पंचायत के प्रथम अधिवेशन से, नियत तारीख से किया जाता है, पंचायत के प्रथम अधिवेशन से। कौन सा अधिवेशन, प्रथम, पहला, फर्स्ट, ठीक है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आप सभी को पता है पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कौन 6 वर्ष बोल रहा है भाई, 5 वर्ष आएगा, 5 वर्ष होता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है, जो नगरी होता है उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले किन राज्यों में अपनाया गया था, कौन सा राज्य में अपनाया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, देखिए देश में जो है ना, देश यानी कि हाँ बिल्कुल, त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित पहले किस राज्यों ने अपनाया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में सरपंच एवं उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, तो अविश्वास 1 वर्ष की अवधि में लाया नहीं लाया जा सकता, ठीक है, 1 वर्ष। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवनवीन पंचायती राज गठन कब लागू किया गया है, तो ये आपका 1994, ठीक है, 1994 में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है, तो कौन से, तो ये आपका होगा 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को यहाँ पर लागू किया गया। कब लागू किया, 25 जनवरी 1994 को। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए उसके लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया, जो देश के सामाजिक कार्यक्रम है उसके लिए सामुदायिक कार्यक्रम चला गया, कौन सा, समुदायिक, ठीक है। एडियो की टोटल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आज से डेली क्लासेस कराए जाएंगे, और एडियो को संपूर्ण सिलेबस के अनुसार आपको डेली क्लासेस कराया जाएगा, आज से ही एडियो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से वीडियो में जुड़ जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा एडियो की तैयारी के लिए। जो लोग एडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अंत में किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर भारत के पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, तो बलवंत राय मेहता समिति, जितने भी पंचायती राज आएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। ये आपके लिए टोटल 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए करा चुके हैं, कितने क्वेश्चन करा चुके हैं, 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी इसका आंसर जरूर बताएं। इसके बाद आपका टोटल यानी कि 150 MCQ 5 दिनों का क्रैश कोर्स रखा गया है, टोटल आपका 150 MCQ कराया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से, और वहां से आपने पूरा अगर पूरा अच्छा से पढ़ लिया ना 150 क्वेश्चन में जितने भी कराऊंगा, वहां से आपको 30 नंबर में आपको 20 से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। कितने नंबर, 20 से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। डेली क्लासेस करने के चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रख लोगे। चलिए पंचायती राज व्यवस्था की 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, बाकी का अपना कितना 120 क्वेश्चन बचा है वो डेली आपको कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, और उसका जो हॉस्टल बढ़ाने की तैयारी करना चाहते हैं जैसे छात्रावास अधीक्षक, अमीन पटवारी, या फिर आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।